हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, क्लास 6 की साइंस विज्ञान हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारा तीसरा चैप्टर है। इसके पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर प्लेलिस्ट नहीं ढूंढे मिल रही तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो भाई, हमारा तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। पृथक करना मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। मतलब हम इनके कहने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखते ही हैं जहां हम एक चीज से दूसरी चीज को अलग करते हुए देखने को हमको मिल ही जाता है। जैसे कि ये बोल रहे हैं, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। भाई, हम क्या करते हैं जब हम चाय मतलब चाय बनती है, चाय को जब हम छानते हैं तो किसे छानते हैं, इस छलनी से छानते हैं, छलनी से छानते हैं ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस चाय के अंदर क्या है, चाय की पत्ती है। ठीक है, और क्या है, पानी है। ठीक है, चीनी भी है, पर चीनी जो है इसके अंदर घुल गई है, वो तो अलग नहीं हो पाएगी। पर चाय की पत्ती जो है वो एक ठोस पदार्थ के रूप में हम कह सकते हैं, पानी एक हमारा लिक्विड है। इन दोनों चीज को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे, किसके द्वारा अलग कर रहे हैं, वो इस छलनी के द्वारा अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या अलग कर रहे हैं, चाय की पत्ती को अलग कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। तो भाई, हमने ये फसल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है देख लेना जाके। तो हमने क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फसल जो होती है काटी जाती है, पक जाने के बाद काटी जाती है, तो उस फसल में हमारा भूसा भी होता है, दाने भी होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, भूसे से दाने को या अनाज को कह लो अलग किया जाता है। तो ये अलग करने का मतलब क्या है, पृथक किया जाता है। ठीक है, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। भाई, हम जब मक्खन बनाते हैं या कह लो घी बनाने का प्रोसेस जो हमारा होता है, उसमें मक्खन बनाया जाता है, तो उस जो हमारे पास मलाई वगैरह होती है उसको हमें उसमें दही डाल के थोड़ा सा फर्मेंट किया जाता है, फिर उसको उसमें मथनी से मथा जाता है। फिर इतना मथा जाता है तो क्या होता है, मक्खन मक्खन हमारा ऊपर आ जाता है। इसी मक्खन से ही घी बनाते हैं। तो हमने क्या किया, उस जो हमारे पास मटेरियल था, मलाई वाला है कह लो, दूध वाला, ठीक है, उससे हमको हमने उससे किसको अलग किया, मक्खन को अलग किया। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस क्या का है, पृथक करने का। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। भाई, यहाँ पे रेशों बीजों की बात कीजिए, कपास की बात की गई है। कपास को ओटने के लिए हमें बीज हटाने पड़ते हैं। फिर ये बोले, कदाचित आपने नमकीन दलिया का पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि खाने में मिर्च नहीं खाते, आप नहीं खा पा रहे हो मिर्च, पर आपका आपके पास जो खाना रखा है, इन्होंने पोहा का एग्जाम्पल दिया है, जो पोहा रखा उसमें मिर्च पड़ी है, आप तो मिर्च खाते नहीं हो। कुछ लोग मटर नहीं खाते, तो क्या करते हैं, मटर मटर अलग को भीन के अलग रख रहे हैं, या मिर्च मिर्च को भीन के अलग रख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप पृथक कर रहे हो, इस सामग्री को उस सामग्री से अलग कर रहे हो। इसी को क्या कहते हैं, पृथक करना कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोला है, कल्पना कीजिए एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर पृथक बर्तन में रख देंगे। तो यही तो करेंगे ना, कि भाई एक टोकरी में आम है, अमरूद है, हमसे अलग करने को बोला जा रहा है, तो हम दूसरा बर्तन उठाएंगे, उसमें से जो भी आपको अलग करना है, जो भी पृथक करना है, उसको दूसरे में भर देंगे, बस हो गया पृथक। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इन्होंने दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, तो इन्होंने इस तरीके से पारंपरिक तरीके का यूज करते हुए दिखाया है।
तो ये कह रहे हैं ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो, जैसे कि आम भी बड़ा है अमरूद भी बड़ा है, हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, हम बिना देखे ही मतलब इनको अलग कर सकते हैं, छूकर बता सकते हैं कौन आम है कौन अमरूद है, ठीक है। पर अगर हमारे पास बहुत ही छोटी चीजें हो, ठीक है, बहुत ही छोटी चीजें हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम उनको पृथक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो ये कह रहे कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने का सोचना असंभव है। मतलब रेत भी महीन होती है, नमक भी महीन होता है, क्या रेत और नमक को मिक्स कर दिया जाए, आपसे कहा भाई अलग करो तो आप अलग कर पाओगे? आंसर होगा नहीं, अलग कर पाएंगे। हमारी आंखें कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, फिर भी माइक्रोस्कोप से भी देख लेंगे, फिर भी अलग करना पॉसिबल ही नहीं। उसकी कुछ विधियां हैं, वो विधियां हम पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं क्रियाकलाप दिया गया है, कॉलम एक में पृथक्करण की कुछ प्रक्रम दिए गए हैं, पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम टू और थ्री में दिया गया है, तथा अभी कॉलम टू कॉलम थ्री में दी गई सूचना व्यवस्थित हो गई है। क्या प्रत्येक प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य और पृथक पृथककृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमको एक क्या दी गई है, सारणी दी गई है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका मिलान करने की बात बोली गई है। जैसे पृथककरण प्रक्रम, ये कह रहे हैं हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, भाई हमें जरूरत पड़ती है तो ही अलग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया उद्देश्य जिसके लिए हम पृथककरण कर रहे हैं, फिर बोला है पृथककृत अवयवों का हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चावल से पत्थरों को पृथक करना, भाई हम जब चावल खाते हैं कभी कभी साफ चावल होते हैं तो हमें बिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जब चावल गंदे होते हैं तो हम क्या गंदे चावल को ही बना देते हैं, नहीं करते हैं ना, हमें उसमें से पत्थर वगैरह जो गंदगी होती है उसको अलग करना पड़ता है, पृथक करना पड़ता है। रीजन क्या है इसका, भैया हम गंदगी नहीं खाना चाहते हैं ना, यही रीजन है ना, हम अपने दांतों में पत्थर नहीं फंसाना चाहते हैं, यही रीजन है। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, हमने क्या किया है चावलों से पृथक पत्थर को अलग कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग पृथक कर रहे हैं। भाई चावल क्या है, चावल जो है वो हमारा क्या है, उपयोगी में आएगा, एक तो उपयोगी हो गया, ठीक है, और दूसरा पत्थर, पत्थर हमारे लिए उपयोगी है बिल्कुल भी नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनुपयोगी, ठीक है। तो पत्थर हो गया हमारे लिए अनुपयोगी, इन्होंने पहले वाले में कहा है दोनों ही उपयोगी पदार्थ हैं, तो ये तो नहीं मिलेगा। अनुपयोगी अवयवों को दूर कर रहे हैं, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अनुपयोगी अवयवों को दूर कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर जो है वो हमारे लिए कोई उपयोग वाली चीज है नहीं, तो ये इसका मिलान हो गया, ठीक है। अब हम क्यों अलग कर रहे हैं ये देख लेते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं, तो भाई पत्थर का उपयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से हमारा एक हो जाएगा। अब कौन सा होता है वो हमें दूसरा ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है। इसको भी हम उसी हिसाब से ही लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, भाई मक्खन जो हमको मिलता है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, ठीक है। और जो हमको जब हम मथते हैं उसको मक्खन निकालते हैं, तो जो दूध होता है वो हमारा क्या बन जाता है, छाछ बन जाता है, वो भी हमारा क्या होता है, उपयोगी होता है। मतलब इसमें दोनों ही चीज हमारी कैसी है, उपयोगी, जिन चीजों को हमने अलग किया है वो दोनों ही हमारी कैसी है, उपयोगी है। चाय की पत्तियां पृथक करना, भाई चाय की चाय जो है वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, ठीक है। चाय की पत्ती जो है अगर हम खा लेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है, अनुपयोगी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनुपयोगी, ठीक है। तो अब हमको बताना है किसका किससे मिलान करना है, ठीक है। तो चावल के पत्थरों को हमारे लिए अगर हम खा जाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, ये हमारी एक अशुद्धि है, ठीक है, अशुद्धि है, तो अशुद्धि को हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम मिला देंगे इससे, ठीक है। अब अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, भाई फेंक देंगे, खाएंगे थोड़ी ना, फेंक देंगे, अलग करके फेंक देंगे। मक्खन जो है
वो हमारे लिए क्या है, मक्खन और दही दोनों ही उपयोगी हैं और दोनों ही अवयवों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चाय की पत्ती जो है इसको पृथक करके हमारे, चाय की पत्ती जो है हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी है। ठीक है, अनुपयोगी है। और ये जो हमारा, इसको क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे अवयव होते हैं इनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, आगे चलते हैं। सारणी का मिलान हो गया है। आगे यहां पे हम देखते हैं तो यह लिखा है, हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। ये चीज हमने जान ली। ठीक है, यहाँ पे हम स्टिक लगा देते हैं। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनसे हमें अलग अलग उपयोग करने वाली आवश्यकता होती है। मतलब कभी कभी हमको उपयोग करने वाली चीजें भी मिल जाती है पृथक करने से, जैसे कि हमने देखा मक्खन बनाते टाइम। ये कह रहे हैं पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। मोस्टली हम क्या करते हैं, पृथक्करण वहां पे करते हैं जहां पे जैसे कि हमारे पास दो भिन्न भिन्न टाइप की चीजें हैं। जैसे इन्होंने ठोस, द्रव, गैस के बारे में बात की है। ठीक है, तो तीन अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने दूध और दही मक्खन मक्खन की बात की थी, हमने वो जो दही था वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, मक्खन जो हुआ है हमारा ठोस तो नहीं होगा पर सेमी सॉलिड उसको बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा द्रव थोड़ा सा ठोस। ठीक है, सॉफ्ट टाइप में, जिसके मतलब जिसका मटेरियल जो है बिल्कुल अलग है द्रव से। ठीक है, आप समझ सकते हो ना इस बात को। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, मतलब उनकी जो गुणधर्म है वो भिन्न भिन्न होते हैं, वहीं पे हमें मोस्टली हमको पृथक करना होता है। अब इन्होंने बताया है पृथक्करण की विधियां इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, जैसे कि ये पहला बता रहे हैं हस्त चयन, इंपॉर्टेंट है हस्त चयन। हस्त मतलब हाथ से बीनना, चयन मतलब चुनना, हाथों से चुनना। ये कह रहे हैं दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए, क्या आप कागज पे एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इनमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटी हुई अन्न के कण, अन्न खाद्य कण हैं? तो भाई अगर आप देखेंगे अगर उसमें गंदगी होगी तो आपको ये सारी चीजें, ये जो इन्होंने बोले हैं ये आपको मिलेंगे। फिर आपको क्या करना है, इन कणों को आपको पृथक करना है। तो पृथक करेंगे हाथों से करेंगे, हस्त चयन। ठीक है, हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी शुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके आपके पास इतना 2 किलो चावल है तो 2 किलो चावल में 1 किलो क्या हो जाएगा, अशुद्धि हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ ग्राम हम कह सकते हैं, 10-20 ग्राम हमारी अशुद्धि हो सकती है। ठीक है, पर तो इसकी मात्रा, इनके कहने का मतलब होता है कि इनकी कहने का मतलब, इनकी बात के कहने का मतलब ये इतना ही है कि अशुद्धियां जो होती है प्राय ज्यादा नहीं होती है, अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। मतलब जब हमारे पास ऐसी ज्यादा अशुद्धियां नहीं है तो हम आराम से अपने हाथों से चुन चुन के गंदगी को फैला सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये गेहूं से गंदगी को हटा रहा है। ठीक है, अनाज से पत्थर के टुकड़े को बीन रहा है, कैसे बीन रहा है, हस्त चयन करके। दूसरी इन्होंने विधि बताई है, ये हमारी थी पहली विधि और ये है हमारी दूसरी विधि, थ्रेसिंग। ठीक है, ये हमारी दूसरी विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग जो होती है वो हमारे खेत में यूज की जाती है। ठीक है, आपने खेत का खलियानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। ठीक है, सूखे
पौधों से अनाज को अलग करने से पहले, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। मतलब क्या करते हैं, जब भाई हमारी कटाई वटाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वो जो हमारी बालियां वगैरह, बाली ही बोलते हैं उनको, इनको सूखने के लिए डाल देते हैं ताकि हमारा अनाज जो है उनकी नमी जो है हट जाए, या कह लो उनकी नमी जो है वो खत्म हो जाए, अनाज जो है प्रॉपर तरीके से सूख जाए ताकि हमारा अनाज खराब ना हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले धूप में उन्हें सुखाना पड़ता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। मतलब अभी हमने अन्न को हटाया नहीं, अन्न उनकी डंडियों में, मतलब उन पौधों में लगे हुए, हमने क्या कर दिया है, पौधों को काट दिया है खाली। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। मतलब भाई हमारी फसल है तो अन्न कण भी बहुत ज्यादा होंगे। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं, क्वेश्चन आता है भाई। इतने ज्यादा हमारे वो हैं, इतने ज्यादा अन्न के कण हैं, तो भाई किसान एक एक बीज को छुटाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ऐसे करने बैठेगा तो सालों लग जाएंगे, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, कभी दोबारा खेती नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी भी एक पृथक करने की विधि है भाई हम पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं थ्रेसिंग। इन्होंने कहा है, आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हैं। भाई आम जो है पेड़ में लगा हुआ है, इस तरीके से लगता नहीं है। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपने हाथ बढ़ाया, तोड़ लिया, आराम से तोड़ लिया। पर जो हमारे छोटे छोटे जैसे चावल लगते हैं, गेहूं लगते हैं, इनमें हजारों इस तरीके से बालियां लगी होती हैं, इनमें छोटे 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 अनाज लगे होते हैं। क्या आप एक एक करके इनको छुड़ाओगे? नहीं छुड़ाओगे ना। तो क्या करना पड़ता है, इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है ना, तो अन्न कणों को उनको डंडियों से कैसे पृथक किया जाएगा? तो यही विधि क्या है, थ्रेसिंग विधि है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब डंडियों से इस अनाज को हटाना, अलग करना, इसको ही हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग कैसे की जाती है, चलिए देखते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक इंसान, मतलब एक आदमी है, किसान है, ये जो बालियां हैं, बहुत सारी बालियां जो उनको पकड़ लिया, इसमें हाथ में गट्ठर बना के जोर जोर से पटक रहा है जमीन में। जब जोर जोर से पटकेगा तो अनाज जो है वो अलग हो जाएगा, और डंडियां डंडियां जो है भूसा भूसा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी भी बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं, मिक्स रहेंगे, पर हाँ अनाज जो है उनमें से छूट जाएगा। ठीक है, कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य करता है, जानवरों की भी हेल्प लेते हैं थ्रेसिंग में, और मशीनों का भी यूज होता है जब हमारे पास बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, जब हमारे पास टाइम नहीं होता है पर हमारे पास पैसा है कि हम भाई मशीनों से अपना काम करवा सकते हैं, तो हम थ्रेसिंग का मशीनों से यूज करते हैं। तो भाई यहाँ पे थ्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, अनाज की सूखी डंड, मतलब अनाज को सूखी डंडियों से अलग करने, अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को ही हम थ्रेसिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है निष्पावन। निष्पावन, ये सारी जो विधियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं, सूखी रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। किसकी बात कर रहे हैं, रेत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेत की बात कर रहे हैं, और सूखी पत्तियों की बात कर रहे हैं, या बुरादे की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पत्ती। ठीक है, इनकी रेत जो होती है वो कैसी होती है, भारी होती है, और पत्ती जो होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है। ऐसी कंडीशन में हम करते हैं निष्पावन विधि का प्रयोग, जहां पे हमारे पास एक हल्की चीज होती है, एक भारी चीज होती है। तो इन्होंने कहा है भाई, सूखी पत्तियों का पाउडर बना लो, या बुरादा ले लो, रेत ले लो, इनका मिश्रण बनाना है। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अभिमों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? भाई हमने दोनों को क्या कर दिया है, दोनों मिश्रण को हमने महीन महीन कर दिया है, तो हम इनको आसानी से इस तरीके से चुन कर हस्त चयन करके नहीं अलग कर सकते हैं। और ये तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, तो हम इसमें थ्रेसिंग भी नहीं कर सकते हैं, इनको पीट कूट के करेंगे क्या?
ठीक है। तो ये दोनों विधियां तो बेकार हो गई। फिर ये कह रहे क्या दोनों अभिमुख के आमाप समान है। भाई दोनों को पीसा है तो इनके आमाप मतलब जितना साइज रेत का है उतना ही साइज मरीपत्ती का है, उसके एक कण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का आमाप समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लेकिन हाँ, लगभग मिलते जुलते, मान लो पत्ती का साइज ये है और रेत का साइज ये है। ठीक है, मतलब दोनों ही छोटे रहेंगे, थोड़ा बहुत अंतर चल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रहे क्या इनको हस्त चयन से कृत करना संभव है? तो भाई नहीं संभव है ना, इतना छोटा है, नहीं संभव है। ये कह रहे अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। ठीक है, आप इस मिश्रण को कहाँ ले जाएंगे? खुले मैदान में, जहाँ खुले मैदान का मतलब क्या है, जहाँ थोड़ी बहुत हवा आ रही हो, जहाँ हमको हवा का एहसास हो रहा हो। ठीक है, ऊंचे स्थान पे हमें खड़ा हो जाना है। ठीक है, हमने इस मिश्रण को किसमें रखा था? प्लेट में रखा था। तो प्लेट में, मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र में मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। ठीक है, हमें क्या करना है, वो जो हमारी प्लेट है वो हमें अपने कंधे से ऊपर, ऐसा नहीं है नीचे गिरा दे रहा, हमें ऊपर ले जाना है इस तरीके से, और इस तरीके से कंधे से ऊपर रहा इस तरीके से हल्का तिरछा करते हुए हमें गिराना है। ठीक है, फिर क्या करें कि ऐसा करने से क्या होता है, क्या होगा, दोनों अवयव रेत अथवा बुरादा क्या होंगे, एक ही स्थान पर गिरते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा गिराएंगे तो रेत और बुरादा एक ही स्थान पर नहीं गिरेंगे, तो क्या होगा, तो ऐसा क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि जो होती है वो क्या कहलाती है, निष्पावन विधि कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हम इस तरीके से किसी स्टूल पे खड़े हो गए, ऊंचे स्थान पे खड़े हो गए, हमने अपने कंधे से ऊपर इस तरीके से इसको इस तरीके से किया, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो अब हवा तो चल रही थी, हवा के कारण क्या हुआ, जो हल्के कण है, ठीक है, हल्के कण है वो कहाँ जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे दूर इकट्ठा हो रहे हैं, और जो भारी कण है वो कहाँ जा रहे हैं, इसके पास में इकट्ठा हो रहे हैं। समझ में आया, हवा जो है वो किस हवा के विपरीत ही हमें काम, मतलब हवा के साइड विपरीत नहीं, हवा की दिशा में ही हमें काम करना है। तो भूसा भूसा हमारा इधर हो जाएगा और अनाज अनाज हमारे पास में गिर जाएगा, या कह लो इन्होंने रेत और पत्ती की बात की थी, पत्ती हमारी दूर हो जाएगी और जो रेत है वो हमारे पास में गिरेगी। ठीक है, इस विधि का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि इन्होंने थ्रेसिंग की थी, थ्रेसिंग जब ये कर रहे थे तो अनाज तो उससे छूटे जा रहे थे, जो बालियां थी लकड़ियां थी उससे अनाज तो छूटा जा रहा था, पर इस अनाज में अभी भी भूसा था, अब हम उसको कैसे बीने। ठीक है, अनाज और भूसे का साइज तो है लगभग सेम हो सकता है, अब इसी चीज को हम इस निष्पावन विधि से अनाज और भूसे को अलग कर सकते हैं। अनाज हमारे पास में गिरेगा, भूसा हमारे दूर दूर गिरेगा हवा के कारण। तो इसका विधि, इस विधि का उपयोग कौन करता है, किसान करते हैं, किसान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्के अवयव दूर गिरते हैं, भारी अवयव हमारे पास में गिरते हैं। उम्मीद है निष्पावन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपसे एक और बात कहना है, भाई क्लास अगर आपको अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कर दिया करो, आप लोग ऐसे ही चले जाते हो, सब्सक्राइब कुछ करते नहीं हो, भाग जाते हो। ठीक है, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये पढ़ाने में ये सब करने में बहुत सा, मतलब ऐसे ही हम पढ़ा के चले गए, इसके बाद भी कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास वीडियो आती है। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी के अभी हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर करो, सबका ग्रुप्स बना हुआ है, मुझे सब पता है। ठीक है, आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, हर क्लास के ग्रुप्स बने हुए हैं, अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर जरूर किया करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट ढेर बना लेते हैं। वही बात इन्होंने बोली है जो आपको समझा चुके हैं, फिर वे पढ़ लेते हैं। अलग हुए भूसे को क्या करते हैं, पशु के चारे सहित अन्य प्रयोजनों में प्रयोग कर लेते हैं। भाई भूसा कौन खाता है, गाय भैंस ये सब खाते हैं ना, तो उनको दे दो। ठीक है,
अब नेक्स्ट विधि जो होती है वो पृथक करने की, ये है हमारी चौथी विधि, चालन विधि। क्या है, कौन सी? चालन विधि, जिसे हम आटा छानते हैं ना, वही चालन विधि, चालनी। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। क्या करने की इच्छा होती है? आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं, उसमें आटा डालते हैं। ठीक है, तो आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा जब हुई तो हमने आटे को मतलब आटे को छानना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चोकर को पृथक करना पड़ेगा। ठीक है, अशुद्धियां निकालनी पड़ेंगी। आया ना समझ में? तो यहाँ पे आप देख सकते हो आटे को छाना जा रहा है। ठीक है, तो फिर ये बोले हैं, आटे के छोटे कण छलनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रह जाती है। मतलब बड़ी बड़े जो हमारे कण होते हैं वो उसमें ही रह जाते हैं। कभी कभार घुन वगैरह रह गया तो वो भी फंस जाते हैं, मतलब उसी में रह जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो महीन महीन आटा होता है वो छन के नीचे आ जाता है। कहाँ? थाली में, प्लेट में, जिसमें आप छान रहे हो। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्रों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। मतलब जब आटे को पिसवाया जाता है तो हम गेहूं को साफ करते हैं ना, एक घर से साफ करके भेजो या जहाँ बड़े पैमाने पे ये जो होता है आटे वगैरह बनाए जाते हैं, इनकी बोरियां बनाई जाती है, तो पहले गेहूं को साफ किया जाता है। जो अशुद्धियां होती हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, ये सब चीजें, इनको पहले हटाया जाता है। ठीक है, फिर गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी से छाना, मतलब फिर इनको छाना जाता है, फिर इनको भर दिया जाता है। यही सब बात लिखी है। फिर बोले चालन द्वारा पत्थर, ये जब मतलब बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं तो ये चालन, चालन मतलब बड़ी चलनी का यूज कर रहे हैं। जैसे कि चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसा, उन्हें निष्पावन थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, को दूर किया जाता है। मतलब भाई, हमने अब अनाज को थ्रेसिंग के द्वारा हमने क्या किया था, डंडियों से बीज को अलग किया, फिर हमने किस क्या किया, निष्पावन से हमने क्या किया है, जो थोड़े भूसा वगैरह रह गया था भूसे को अनाज से अलग किया, फिर हमने अपने अनाज को इकट्ठा किया, अभी भी उसमें थोड़े बहुत पत्थर वगैरह थे, फिर हमने पत्थरों को छन्नी, मतलब पत्थर क्या, पत्थरों को छांटा, पत्थरों को छांटने के बाद हमने क्या किया, ठीक है, पत्थरों को इन्होंने कैसे छांटा, उसके लिए चालन का यूज किया। जब हमने गेहूं पिसवा लिया, फिर हमने जब हमें खाना बनाना हुआ, रोटी बनानी हुई, तो हमने छन्नी भाई चालनी का यूज किया। ठीक है, तो यही बात बोली है आपने। इस प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण या रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए देखा होगा। मतलब क्या होता है, इस तरीके से आपने तो जरूरी देखा होगा, अपने आस पड़ोस में अपना घर बनते हुए देखा होगा, जब हमारी बालू वगैरह, रेत वगैरह जो भी होता है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले इस तरीके से बड़े से चालने से उसको साफ करते हैं, ताकि उसमें जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो होते हैं वो हमारे निकल जाए और हमारी साफ जो है मोरंग वगैरह जो होती है वो हमको मिल जाए। ठीक है, और अब हमारा क्रियाकलाप 4 दिया गया है। कक्षा में एक चालनी तथा छोटा सा आटा घर से लाइए। कक्षा में आपको ये प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक द्वारा, चाक का पाउडर बनाइए तथा आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? ठीक है, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। मतलब चालन का उपयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं? देखो भाई, हमारे पास इस तरीके से इतने बड़े बड़े कण, ठीक है, अब कुछ कण हमारे पास बड़े बड़े हैं, तो वही हमने इनको छाना, किससे छाना, किसी चालनी से, किसी छन्नी से छाना। ठीक है, छन्नी से छाना, तो छोटे छोटे कण तो हमारे यहाँ पे नीचे मिल गए, पर जो बड़े बड़े कण थे वो तो फंस गए। तो ये किसको हम छान रहे थे, जहां पे हमारे पास छोटे कण थे और बड़े कण थे, तो ऐसी कंडीशन में बड़े बड़े कण हमारे इसमें रह गए, छोटे छोटे कण छन गए। लेकिन जब हमारे पास, जैसे कि इन्होंने बोला, हम आटा घर से लाए, आटे के कण मान लो इस तरीके से इतने इतने बड़े हैं, और हमने चाक का पाउडर बना लिया, चाक के पाउडर के भी कण इतने इतने बड़े हैं, क्या हम पता लगा सकते हैं कौन सा चाक का पाउडर है, कौन सा आटे का पाउडर, मतलब आटा है? नहीं कर पता लगा सकते हैं ना, और ना ही अगर हम इनको छानेंगे भी तो दोनों ही छन के हमारे पास आ जाएंगे। मतलब हमारे पास, हम अलग करना चाहते थे, पृथक करना चाहते थे, हमारा पृथक नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई? इसके लिए अलग विधियां हैं हमारी।
ये है हमारी नंबर 5 वाली, अवसादन निस्तारण निस्यंदन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अवसादन निस्तारण और निस्यंदन। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। मतलब अभी तक हमने जो विधि पढ़ी थी उन विधियों से हम इनको अलग नहीं कर सकते, चौक का पाउडर और आटे को अलग नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे। उदाहरण के लिए चावल और दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, चावल तथा दालों को पकाने से पहले ही शुद्धियों को कैसे पृथक करेंगे। ठीक है, प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। मतलब हमारे पास, हम खाना जब बनाते हैं दाल को धुलते हैं, दाल को क्यों धुलते हैं भाई, उसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह हो, ठीक है, हल्के जो कण होते हैं वो हमारे पानी से धुलकर निकल जाते हैं, ठीक है, इसीलिए तो धुलते हैं। तो ये कह रहे हैं आसानी से धोकर उनको निकाला जा सकता है। जब आप चावल दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं, ये अशुद्धियां जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं। ये जो हमारे टिक लगाए हुए, मतलब यहाँ पे हम टिक लगा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, सिर्फ जैसे कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, जो जो हम टिक लगा रहे हैं वही पॉइंट आप पढ़ लो। अब ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी मैं जल्दी बताऊंगी, ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। तो चावल पकाने से पहले उनको जल से धोया जाता है, चावल या दाल में जब डालते हैं, मतलब जब आप चावल या दाल में जल को डालते हैं तो उन पर चिपकी अशुद्धियां धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ठीक है, ये अशुद्धियां कहाँ चली जाती है, जल में चली जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई कौन जल में डूबेगा, तो भाई भारी कण हमेशा जल में डूबेंगे ना, धूल वगैरह तो हल्की होती है, भाई चावल डूबेंगे या अगर दाल है तो दाल डूबेगी, बस सीधा सा आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने कहा था ना आपको बताएंगे, तो ये सारी चीजें और साथ में आपके क्वेश्चन आंसर, देखो भाई बहुत सारे हमारे ऐप आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि सारे के सारे ऐप जो हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है, आंसर कुछ और होता है, बुक में क्वेश्चन कुछ और है, आंसर आपको कुछ और दे रहे हैं। हमारे ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको क्या सर्च करना है, ये सर्च करोगे तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, जो जिस स्टडी ये जो लिखा हुआ है इसको सर्च करना, तुरंत आ जाएगा सबसे ऊपर, डाउनलोड कर लेना ऐप को। साथ में आपको एक वीडियो भी यहाँ पे हम चला दे रहे हैं, आपको दिख जाएगा कैसे डाउनलोड करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके से ऐप को डाउनलोड कर लेना, फिर आपको ये हमारे जो टिक लगी हुई पीडीएफ और जिसमें हमने बिल्कुल टच भी नहीं किए, बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ, आपके क्वेश्चन आंसर सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड जरूर कर देना, हमारे ऐप की लिंक भी अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देना, इतना कर दोगे ना। ठीक है, और अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ, इस पे जाइएगा, आपकी मैथ्स जो है स्ट्रांग हो जाएगी, जो भी डाउट्स आपको छोटे छोटे डाउट्स परेशान करते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। और इस चैनल पे आपकी जो सब्जेक्टिव मैथ है वो पढ़ाई जाती है, और यहाँ पे इस चैनल पे क्या होता है, आपके मैथ्स के जो डाउट होते हैं वो दूर किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, तो क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, तो हाँ भाई बिल्कुल गिराया जाता है, जो हम टेढ़ा नहीं करेंगे तो पानी कैसे निकलेगा। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव जो होते हैं नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। मतलब हमने हमारा जो मिश्रण था, मिश्रण का मतलब हमारे दाल चावल जो भी थे, मतलब हम उनको जब धो रहे थे तो हमारे दाल जो थी या कह दो चावल चावल थे वो नीचे बैठ जाते हैं, हम पानी पानी को बर्तन को टेढ़ा करके निकाल देते हैं। ठीक है, अब बर्तन को टेढ़ा करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, इसको ही क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। मतलब पानी निकालने का जो प्रोसेस है इसको ही हम अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उदलने क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहां पे लिखा है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के
नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है भाई, हमने क्या किया भाई, हमें जो भी धुलना है, चावल धुलने हैं, दाल धुलनी है, जो भी धुलनी, हमने उसमें पानी को डाला, जो पानी को हमने उसमें डाला, थोड़ा धुल धुल दिया, जो भी है पानी को आपने उसमें डाला, जो पानी को हम डालते हैं तो चावल हो या दाल हो, वो जो भारी चीज होती है, जो अनाज है, वो हमारा तली में बैठ जाता है और पानी पानी ऊपर हो जाता है और हमारे जो गंदगी है वो ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो अनाज को के नीचे बैठने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं, मतलब नीचे बैठ जाने को अवसादन कहते हैं। फिर ये कह रहे हैं अवसादित मिश्रण, अवसादित मिश्रण का मतलब क्या हुआ, ये जो हम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें कौन सा वो जो मिश्रण है चावल का, पानी का, धूल का, इसको हमने अवसादित मिश्रण बोला है, को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि बिना हिलाए का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है गिलास में, मतलब बर्तन है, बर्तन में वो मिश्रण भरा हुआ है, हमने इसको छुआ भी नहीं, हिलाया भी नहीं, खुद ब खुद पानी निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब हल्का सा हमें टेढ़ा करना होगा, बस ये है कि अनाज हमारा बाहर ना निकले। तो ये जो हमारा गंदा पानी है उसको निकालने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको ही कहेंगे बिना हिलाए। बिना हिलाए का मतलब बाहर हमारा अनाज नहीं गिरना चाहिए, बिना हिलाए मतलब सिर्फ जल को, गंदे पानी को निकालने की प्रक्रिया को ही निस्तारण या निकालना, निस्तारण को हम निकालने से समझ सकते हो। अवसादन का मतलब अनाज का तली में बैठ जाना, पानी डालने पर तली में बैठ जाना, अवसादन और उस वो जो गंदा पानी है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, तो अवसादन निस्तारण आपने समझ लिया। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों का अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या किया है, मिट्टी तथा जल का मिश्रण, इसमें भाई मिट्टी भी मिला दी है, जल भी मिला दिया है, घुमा फिरा दिया है, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं मिट्टी जो है वो हमारी यहाँ पे बैठ जाती है। कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, नीचे बैठ जाने को ही हमने बोला है अवसादन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, आसानी से, सावधानी से ग्लास को थोड़ा सा तिरछा किया, जो ऊपर जो हमारा पानी आ गया था ना, वो पानी हमने दूसरे ग्लास में कर दिया आराम से, ताकि हमारी मिट्टी जो है वो नीचे ही रहे, मिट्टी ना जाए। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोला है, निस्तारण। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है वो हमारी क्या है, निस्तारण। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, इन्होंने बोला है यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रणों को पृथक करने में उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब तेल और जल को किस विधि से पृथक किया जाता है, वही अवसादन निस्तारण विधि से, क्योंकि ये जो विधि है वहां पर यूज की जाती है जहां पे दो अवयव आपस में मिक्स नहीं हो सकते। जैसे नमक और पानी को मिलाएंगे वो मिक्स हो जाएंगे ना आपस में, पता ही नहीं चलेगा नमक कहाँ गया। चीनी और पानी को मिलाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से वो गया। जैसे कि अब इन्होंने रेत को मिट्टी में मिलाया, मिलाते टाइम तो एक हो जाएंगे, बस उनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो मिट्टी मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी पानी अलग हो जाएगा। मतलब ये विधि वहां पे उपयोग की जा रही है जहां पे दो चीज मिक्स नहीं होती है। ठीक है, यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। वही बात, अलग अलग लेयर बना लेते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते, थोड़े देर बाद वो अलग हो जाते हैं। अगर मिक्स भी हो जाते हैं तो थोड़ी देर रख दें तो फिर वो अलग हो जाएंगे, वही बात कही जा रही है। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बना लेता है उसे निस्तारण द्वारा, जो अवयव ऊपरी परत बनाता है, जैसे पानी और मिट्टी में हमने क्या देखा था, पानी ने ऊपर लेयर बनाई थी ना, मिट्टी तो नीचे रह गई थी, तो ऊपर लेयर बनाता है उसी को निस्तारित किया जाता है, उसी को अलग किया जाता है, निस्तारण विधि से पृथक किया जाता है। फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं, पर उसमें छन्नी का भी यूज करते हैं, क्योंकि उसमें चाय की पत्ती थोड़ी बहुत आ ही जाती है। हालांकि चाय की पत्ती नीचे बैठी होती है, लेकिन हम इतनी सावधानी पूर्वक चाय को छानते नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, छलनी होती है। अगर सावधानी पूर्वक छानेंगे तो हो सकता है हमारी चाय अच्छे से छन जाए। ठीक है,
अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं, आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं। मतलब चाय की पत्तियां जो होती हैं बहुत ही ज्यादा भारी नहीं होती हैं, क्योंकि जो चीज भारी होगी वही बैठेंगे ना। चाय की पत्तियां जो होती है फूल कर थोड़ी हल्की हो जाती हैं। अब हल्की हो जाएंगी तो हम थोड़ा सा उसको हिलाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, इसीलिए छलनी का प्रयोग करते हैं। अब चाय को एक छन्नी में डालकर दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निसेंदन कहते हैं। मतलब अब निसेंदन क्या है, मतलब जैसे कि हमने चाय को छाना, थोड़ी बहुत चाय की पत्ती तो आ ही रही है। अब हम नहीं चाहते कि भैया हमारी गंदगी, हमारी हम जो चीज छान रहे हैं उसमें गंदगी भी आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छन्नी का यूज करते हैं। ठीक है, तो छन्नी के यूज करना, छन्नी को यूज करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। तो निस्यंदन में क्या करते हैं, हम छन्नी का यूज करते हैं, तो निस्यंदन को हम फिल्टर करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं चाय से चाय की पत्ती प्रयोग करने में निस्तारण निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? भाई निस्तारण विधि नहीं अच्छी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी मतलब करेंगे थोड़ी बहुत पत्तियां तो आ ही जाएंगी, पर निस्यंदन में क्या होगा, हम छन्नी का यूज कर रहे हैं तो पत्ती जाने का सवाल ही नहीं बनता। तो बेस्ट कौन सी है, निस्यंदन में। लगातार बोलते बोलते थक जाओ यार, एनर्जी नहीं रहती है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है, तालाबों नदियों से एकत्रित किया जल भी पंकी हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए हम देखें कि इनको पृथक करने की कुछ विधियों में से जल से मिट्टी अविलय शुद्धियों को दूर करते हैं। मतलब ये जो गंदा पानी होता है उसमें हम शुद्धियां कैसे दूर करेंगे, ये मतलब है सीधा सीधा। क्रियाकलाप 5, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, मतलब गंदा वाला पानी लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला लो, ठीक है, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए, अपने प्रेक्षणों को लिखिए, मतलब भाई गंदा पानी है उसको थोड़ी देर रख दो, फिर देखना है क्या हुआ। मिट्टी जो है थोड़ी बहुत नीचे तो बैठेगी, ठीक है, क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? बिल्कुल बैठेगी, पूरी नहीं बैठेगी, कुछ बैठेगी। अपने इस पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ है? ये इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे भाई? इस प्रक्रम को अभी हमने देखा था, मिट्टी के नीचे बैठने को हम क्या कहते हैं, अवसादन। अवसादन कहते हैं ना। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए, इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। इस मिश्रण, इस प्रक्रम को क्या कहेंगे भाई? ये कह रहा है थोड़ा सा बिना हिलाए मिट्टी को, गिलास को तिरछा करके दूसरे गिलास में पानी डालिए, इसको क्या कहेंगे, निस्यंदन। निस्यंदन नहीं, निस्तारण, सॉरी, निस्तारण। निस्यंदन में तो छन्नी लगाते हैं। क्या दूसरे गिलास का जल अभी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? तो बिल्कुल भूरे रंग का होगा, हाँ। अब निस्यंदन कीजिए, क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया जा सकता है? भाई अभी भी आपका पानी जो है वो कैसा है, कैसा है अभी आपको बता रहे हैं, अभी भी आपका पानी कुछ इस तरीके से है, गंदा पीला पीला अभी भी पानी है। पर इसको आप कितनी भी देर रख लो, मिट्टी जो है वो अलग नहीं होगी, ठीक है। अब आप इस गंदे पानी को छन्नी से छान सकते हो? आंसर होगा नहीं। मतलब ये इसमें निस्यंदन विधि अपना सकते हो? आंसर होगा नहीं। फिर करे कपड़े के टुकड़े में बुने हुए, कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं, कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग कर निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। तो ये अब कह रहे हैं निस्यंदन आपको करना है तो कैसे करेंगे? निस्यंदन के लिए आपको छन्नी का यूज नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको कपड़ा लेना है, उसकी कई सारी आपको लेयर बना लेनी है, फिर उनमें कोन बना लेना है, फिर आपको क्या करना है, छानना है, फिर आपका पानी जो है आपको शुद्ध प्राप्त हो सकता है। देखते हैं,
यदि जल अब भी गंदला है तो औषधियों को फिल्टर पत्र द्वारा निसंदित कर सकते हैं। मतलब कपड़े से भी छान लिया, उसके बाद भी वो नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, तो आप फिल्टर पत्र की बात कर रहे हैं, उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं, कपड़े से भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निसंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो छोटी सी छोटी गंदगी को भी पकड़ सकता है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं शंकु के रूप में मोड़ कर कीप में लगा दिया जाता है, उसके पश्चात उसके ऊपर पानी उड़ेला जाता है और मिश्रण के ठोस कण इसमें छिद्र से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। मतलब इसमें पानी जब हमने डाला तो हमने देखा कि पानी जो है साफ हो चुका है काफी हद तक। फिर कह रहे हैं साधारणतः फलों या सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीज तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निसंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध उबालने के बाद उसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस मिलाते हैं, इसे पनीर के ठोस कणों को द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण के कपड़े से छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। मतलब क्या आप बोल रहे हैं, सिंपल से समझो, ये कह रहे जो वो पनीर बनाते हो, पनीर किससे बनती है, दूध से बनती है ना, तो दूध को हम उबालेंगे, उसमें नींबू डालने के बाद दूध जो है वो हमारा फट जाएगा, फिर हम उसको छानेंगे, किससे छानते हैं, कपड़े से छानते हैं। ठीक है, महीन कपड़ा जो होता है उससे छानेंगे तो पानी पानी जो होता है उसको फेंक देते हैं और जो उसमें ठोस कण होते हैं मतलब जो दूध फटा हुआ होता है वो हमारा कपड़े में ही रह जाता है, उसको हम दबा कर रख देते हैं किसी चीज से, फिर वो हमारे पनीर बन जाती है, यही बोली है। तो इसमें भी क्या किया हमने, निसंदन विधि का उपयोग किया है, फिल्टर का उपयोग किया है, फिल्टर ने किसका किसका उपयोग करके किया है, कपड़े या छन्नी का उपयोग करके किया है। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट विधि हमारी वाष्पन। वाष्पन भी इम्पोर्टेंट है, मतलब अभी जैसे कि हमने ये फिल्टर किया हुआ पानी था, ठीक है, हालांकि इसमें काफी हद तक पानी जो है उससे मिट्टी चली गई है, उसका कलर भी पहले से काफी साफ हो गया है, पर ये पानी क्या अभी भी शुद्ध है, पीने लायक है? तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पानी अभी पीने लायक नहीं है। तो अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वाष्पन, वेपराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने नमक और पानी की बात की है, लेकिन जो हमने पानी अभी फिल्टर किया था उसमें भी यूज कर सकते हैं, वाष्पन विधि से वास अलग हो जाएगा, गंदगी गंदगी अलग रह जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, सेम प्रोसेस है, देखते हैं क्या करना है। जल लेना है, उसमें 2 चम्मच हमें क्या डालना है, नमक डालना है, अच्छी तरह हिला देना है, मतलब मिला देना है। ठीक है, हमने क्या किया है भाई, हमारे पास क्या है, एक गिलास है, ये रही हमारी गिलास, गिलास में हमने भर लिया पानी, पानी में मिला दिया नमक और उसको चम्मच से हमने घोल दिया, अच्छे से घोल दिया। जब हमने चम्मच से गिलास में घोल दिया तो हमको अब पता नहीं है कि नमक कहाँ गायब हो गया, नमक तो हमको नहीं दिखेगा क्योंकि नमक तो मिक्स हो गया है। तो ये कह रहा है क्या जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं, क्या आप नमक जब जल में मिलाते हो तो जल का रंग चेंज हो जाता है? आंसर होगा नहीं, जल का रंग वैसा ही रहता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई कलर नहीं, नो कलर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, नमक अगर कलर्ड है तो बात अलग है, जो नॉर्मल नमक होता है वो मिलाने से जल का रंग अलग नहीं होता, आए समझ में? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं देखते। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करना है, हमें क्या करना है, नमक वाला जो पानी है उसको गर्म करना है, जल को उबाल कर उड़ने देना है, बीकर में क्या बचता है, मतलब हमें इस तरीके से रख देना है, जैसे कि जो मैं प्रोसेस बता रही थी पानी साफ करने की, क्या करते हैं इस तरीके से, जैसे कि हम इसको यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और हमने इस तरीके से हल्का सा तिरछा ढक्कन लगा दिया और यहाँ पे इस तरीके से तिरछा ढक्कन रख दिया,
और हम क्या कर रहे हैं, नीचे से पानी जो है गंदा वाला गर्म हो रहा है, अब भाप उड़ रही है, और ये हमने जो इसका ढक्कन है तिरछा रखा है, भाप उड़ के, भाप जो वाष्प भी बनती है वो गिरती है, वो मतलब यहाँ पे इसकी तलहटी में लगेगी, वाष्प सरक के, मतलब तिरछा बर्तन है तो वाष्प सरकेगी, यहाँ पे हम कोई और बर्तन रख देंगे, वाष्प जो है वो यहाँ पे हमारी इकट्ठा होती जा रही है, गंदगी गंदगी इसमें रह जाएगी, और हमारा साफ पानी, वाष्प किया गया पानी, वाष्प वाला जो पानी होती है सबसे प्योर होता है, वो हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इसको हम आराम से पी सकते हैं, ठीक है, यही बता रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, ये नमक वाले पानी को गर्म कर रहे हैं, इसको इन्होंने ढका वका है नहीं, वाष्प बन के पानी जो है वो हमारा उड़ा जा रहा है, 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 एक पॉइंट पे पानी हमारा बिल्कुल बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, नमक, क्या बचेगा यहाँ पे, खाली नमक बचेगा, ठीक है, पानी उड़ जाएगा, नमक नमक रह जाएगा। तो ये कह रहे हैं इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया है, इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया है, वाष्पन विधि का, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, ये ऐसा क्यों बोला है, ऐसा इसलिए बोला है भाई हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, समझ में आ गया होगा, सूर्य, अब सूर्य है, ठीक है, आप घर में ही एक छोटी सी गिलास हो बड़ी सी गिलास हो पानी भर के रख दो, हालांकि हमारे इस बर्तन पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, फिर भी आप देखोगे 2-3 दिन बाद देखोगे पानी जो है पहले पूरा भरा हुआ था, तो पानी देखोगे कुछ कम हो गया है, कैसे कम हो गया, कहीं ना कहीं इसमें पानी में क्या होता रहता है, वाष्पन होता रहता है, वो पानी उड़ता है हमको तो दिखाई तो देगा नहीं, अब सूर्य की रोशनी में रखोगे तो खुद भी तुरंत आधे घंटे में देख लोगे पानी हमारा कम हो गया है, लेकिन ये अगर घर में ऐसी बिना मतलब सूर्य की रोशनी में भी रखोगे तो भी हमारा पानी कम हो जाएगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां वाष्पन होता ही होता है, ठीक है, आया समझ में, आपके विचार से नमक कहां से आता है, नमक कहां से आता है, समुद्र से, ठीक है, समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं, इन्हीं लवणों में से एक लवण जो है वो क्या है, साधारण नमक है, जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भर कर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है, कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है, क्या कह रहे हैं ये, आप चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये क्या है हमारा समुद्र, ठीक है, समुद्र में क्या है हमारा लवण, लवण में ही मतलब लवण ही क्या होते हैं हमारे नमक, ठीक है, आया समझ में, लवण, ठीक है, ये हमने समुद्र के किनारे क्या बना लिए, इस तरीके से क्यारियां बना ली, गड्ढे बना लिए, इसमें हमने क्या भर दिया, समुद्र का पानी भर दिया, समुद्र का पानी छोड़ दिया हमने, धूप पड़ी पानी सूख गया, नीचे क्या रह गया, ये लवण रह गए, इन लवणों का हमने शोधन किया, फिर इससे हमें क्या मिल गया, नमक मिला, तो इसी से ही हमारा क्या बनता है, नमक बनता है, ठीक है, आए समझ में, तो वाष्पीकरण से ही हमारा नमक प्राप्त किया जाता है, एक मिनट रुकना जरा, मेरा बच्चा आने वाला है, देख लेते हैं उसकी बस कहाँ पहुंची है, ठीक है, हाँ, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, ठीक है, हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है, कौन कौन सी विधियां पढ़ी है, हस्तचयन,
थ्रेसिंग, और फिर हमने पढ़ा था निष्पावन, ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अवसादन और निस्तारण, निस्यंदन, उसके फिर वाष्पन पढ़ा है, और थ्रेसिंग के बाद हमने चालन भी पढ़ा था, ठीक है, कई सारी विधियां पढ़ी हैं, याद कर लेना। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा है ना, सिर्फ कभी कभी होता है कि एक ही विधि से हमारा काम नहीं चलता है, कभी हमें दो विधियां यूज करनी पड़ जाती है, तीन, कभी चार, डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं। फिर क्रियाकलाप 7 दिया है, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, आप इसे कैसे पृथक करेंगे। पहले हमने देखा कि हस्त चयन विधि द्वारा पृथक करने के लिए व्यवहारिक नहीं होगी, भाई हम देख चुके हैं रेत भी महीन है, नमक भी महीन है, नहीं कर सकते इसको, हाथ से नहीं अलग कर सकते। इस मिश्रण को बीकर में रखिए, कुछ जल मिलाइए, हम क्या मिलाए, रेत और नमक की बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को बीकर में रखिए, इसमें कुछ जल मिलाइए, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। हमने क्या किया, रेत ली, नमक लिया, फिर हमने अलग करने के लिए रेत में, मतलब उसी रेत और नमक में पानी डाल दिया, मिला दिया, तो क्या हुआ, नमक जो है जल में घुल गया, रेत तो घुलेगी नहीं, नमक जरूर घुल गया, मतलब उसमें जो पानी है वो कैसा वाला पानी हो गया, नमक वाला पानी, किसके साथ, रेत के साथ, ठीक है। फिर कह रहे कि कुछ देर रख दीजिए, भाई हम रख देंगे तो रेत जो है क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, अवसादन। इसे निस्तारण निस्यानन विधि द्वारा पृथक कर लीजिए, मतलब फिर हम क्या करेंगे, निस्तारण मतलब उसको रेत नीचे बैठी रह जाएगी, बिना हिलाए उसको हम छान लेंगे, और जरूरत पड़े तो छन्नी लगा लो, ठीक है, छानने को बोले, छानने को बोलेंगे निस्यानन, और उड़ेलने को बोलेंगे निस्तारण, ठीक है। निस्तारित द्रव में क्या है, क्या आप सोचते हैं, इसमें वही नमक है जो आरंभ मिश्रण मिश्रण किया था, बिल्कुल, हमने जो पानी निकाला है ना, निस्तारित किया है ना, उसमें नमक घुला हुआ है, रेत तो अलग कर दी, ये अवसादन निस्तारण निस्यानन विधि द्वारा, ठीक है, पर अभी भी जो हमारे पास पानी है उसमें नमक घुला हुआ है। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है, मतलब ये जो नमक वाला पानी, अब हमें नमक और जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए, अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए, आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं, भाई देखो, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे एक प्रोसेस बताया था, वो प्रोसेस भी कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, केतली में नमक प्लस जल वाला जो पानी है वो डाल दिया, केतली से भाप उड़ रही है, और भाप जो है हमने एक इस तरीके से प्लेट ले ली, उसके ऊपर बर्फ ले ली, बर्फ रख दी, भाप जो है टकरा रही है इस बर्तन से, बर्तन जो है ठंडा है, क्यों ठंडा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या रखी हुई है, बर्फ रखी हुई है, ठीक है। तो वो वाष्प जो है ठंडी होकर फिसलते हुए कहाँ जा रही है, इस बीकर में इकट्ठा हो रही है, ठीक है। ये वाष्प जो है वो नमक वाला पानी नहीं है, ये वाष्प जो गिर रही है वो हमारा पानी है, सिर्फ पानी, और नमक नमक कहाँ रह जाएगा, इसके अंदर रह जाएगा, आ गया ना प्रोसेस समझ में। चलो इसको देख भी लेते हैं इन्होंने लिखा क्या है। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो, प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे ही दर्शाया गया है, आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए, ठीक है, मतलब भाप में बदलना है, जब भाप बर्फ से ठंडी, चलो हम टिक भी लगाते चलते हैं, धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी है, प्लेट की टोटी पर ठीक ऊपर पकड़िए, ठीक है, फिर सारे जल को भाप में बदलने दीजिए, जब भाप बर्फ की ठंडी ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव में बन जाती है, मतलब जल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर प्लेट के नीचे कुछ बूंद होकर गिरने वाला या जल संघनन
द्वारा भाप बना है और जल से वाष्प की उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, संघनन की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। संघनन क्या है? वाष्प से जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन क्या है? जल से, ठीक है, जल से वाष्प में, वाष्प मैंने बा लिख दिया है, ठीक है, वाष्प में, जल से वाष्प में या भाप में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्प से जल में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाष्पन, इसको कहते हैं संघनन। मतलब वाष्प से जब जल बनाते हैं तो इसको कहते हैं संघनन। ओके, क्या आपने जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर तक उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित गुणों को देखा है? मतलब देखा क्यों नहीं होगा भाई, जरूर देखा होगा। जब कोई चीज उबालते हैं ना तो उसपे छोटी छोटी बूंदे, मतलब अगर बर्तन रखा है, ढक्कन लगा हुआ है, तो छोटी छोटी बूंदे जम जाती हैं। वही हमारे, मतलब बूंदे जो जम जाती है, वाष्प जो होती है बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो संघनन होता है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो केतली में पीछे क्या छूट जाता है? तो आंसर होगा नमक। इस प्रकार हमने मिश्रण से रेत जल तथा मिश्रण से रेत तथा जल पूर्ण निस्तारण, निसंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया है। कितनी विधियां यूज की है? ठीक है, इन्होंने अवसाधन तो लिखा ही नहीं है। अब दो तीन चार पांच, पांच विधियों का प्रयोग किया, इन्होंने चार लिखा है, अवसाधन भी तो हुआ था। पहले रेत को नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है, उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी सी मात्रा में मिलाया था, फिर उसने क्रियाकलाप सेवन में सुझाएगी विधियों का पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने पाया कि नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है, यहाँ कहाँ त्रुटि रह गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? मतलब आपके पास एक गिलास है, गिलास प्यारी वाली गिलास, आपने इतना ही पानी भरा इस गिलास में, आपने इतना पानी भरा, ठीक है, इतना पानी भरा है। अब किस गिलास में आप नमक कितना डाल रहे हो? थोड़ा सा गिलास में है नमक का, पूरी गिलास मतलब जितना बड़ा बचा हुआ स्पेस है, इतना आपने क्या डाल दिया है? नमक डाल दिया, इतना गया पानी। क्या ये पानी इतने सारे नमक को घोल पाएगा? आंसर होगा नहीं। हर चीज की अपनी एक मात्रा होती है ना, जैसे कहा जाता है हर चीज की एक सीमा होती है। किसी को गुस्सा आ रहा है ना, कोई कितना ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुम उसे परेशानी करे जा रहे हो, परेशानी करे जा रहे हो, कितना कंट्रोल करेगा? गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। नहीं, हर चीज की सहने की एक सीमा होती है, वही बात है यहाँ पे, इसकी भी एक सहने की सीमा है। चलो देखते हैं सीमा आखिर है क्या। सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, क्या है सचिन में? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? क्या जल? तो आंसर होगा भाई नहीं, कितनी भी मात्रा नहीं घोल सकता। अजय टू में हमने पाया कि पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम पदार्थों को जल में विलीन कहते हैं। मतलब हमने पढ़ा था जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं वो विलय होते हैं, जैसे कि नमक। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? वो घुलेगा ही नहीं, और क्या होगा? ठीक है, क्रियाकलाप दे रहे हैं हम। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। ठीक है, आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, उड़ेलिए मतलब डालिए, उड़ेलिए उड़ेलिए बोल रहे हैं। एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक बिडोलित कीजिए, बिडोलित मतलब मिलाते रहिए जब तक यह पूरी तरीके से घुल ना जाए। अभी आपने क्या लिया है? थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें एक चम्मच जल डाला है, मिलाया है, तो जल तो आप वो नमक तो घुल ही जाएगा, आराम से घुल जाएगा। और फिर एक चम्मच और डालिए, फिर भली भांति उड़ेलित कीजिए, मतलब बिडोलित कीजिए, फिर मिलाना एक चम्मच डाल के, एक एक चम्मच करके नमक मिलाते जाइए और चलाते जाइए, ये करेंगे एक एक चम्मच बढ़ाते जाओ।
कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप यह पाते हैं कि कुछ अविलयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घोला जा सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। समझे बात को? मतलब आप नमक पे नमक, नमक पे नमक, नमक पे नमक मिलाते जा रहे हैं, भैया उसकी मिलने की सीमा खत्म, उसके सहने की सीमा खत्म। जहां पे उसकी सीमा खत्म, वहां समझ लो वो विलयन कैसा हो गया, संतृप्त विलयन। मतलब अब नमक पानी कह रहा है, भैया अब हम नहीं घोल सकते, बस करो, अब नहीं मैं घोल पाऊंगा, अगर डालोगे भी मैं नमक को नहीं घोलूंगा, ऐसे घोल रहा है नमक। तो इसका मतलब क्या हुआ, नमक कह रहा है भैया मैं संतृप्त विलयन बन चुका हूँ, बस करो, मैं संतृप्त हो चुका हूँ, बस करो, अब मैं नहीं घोलू। तो समझो नमक क्या बन गया, संतृप्त विलयन बन गया। ओके फाइन, अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय समांतर क्या गलत हुआ, जब पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया, कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अभिले नमक रेत के साथ यह मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका, वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल नहीं कर पाई। मतलब उसने क्या किया है भाई, अधिक मात्रा यूज कर ली थी, पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाले पेज पे, कि वो अपनी उतनी मात्रा क्यों नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि उसने जितनी मात्रा चाहिए थी उतनी मात्रा में मिलाया नहीं, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? तो ये कह रहे हैं आइए पहली की सहायता करें या प्रयास करें। तो इन्होंने एक और क्रियाकलाप रख दिया, बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, ये है संतृप्त विलयन की डेफिनेशन, हम ये भी लिख सकते हैं। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए, क्या आप पाते हैं बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? भाई जब इसको गर्म करेंगे ना तो नमक थोड़ा घुल जाएगा। आप या क्या ये घुल गया, तो आंसर होगा हाँ। यदि हाँ तो इसमें विलयन को गर्म करने पर इसमें नमक अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। मतलब अगर आप अधिक मात्रा में नमक घोलना चाहते हो तो क्या करोगे, उसको पानी को गर्म करो, गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या यार बीकर की तली में पुनः बैठता दिखाई देता है, यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, अभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा में घुली है यह पता लगाते, मतलब वो जब पानी जब ठंडा होता है ना तो वापस से नमक जो है वही तली में बैठ जाता है। फिर से क्रियाकलाप दे दिया, इन्होंने बोला है कि दो गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, एक गिलास में एक चम्मच नमक मिलाइए, फिर तब तक भी लोडित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए, एक एक चम्मच की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाते हैं। मतलब क्या करना है कि नमक बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, उसके सहने की सीमा देखना है, मतलब उसको संतृप्त विलयन तक डालना है। नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है, इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आपको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं, मतलब जो काम आप कर रहे हैं वही जितने चम्मच आप नमक के डाल रहे हो उतने चम्मच आप चीनी के भी डालकर देखना है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि कौन कितनी मात्रा में कौन मतलब पानी की कितनी मात्रा नमक को ज्यादा घोल रही है या उसको घोल रही है ज्यादा। ठीक है, एक मिनट देखिए ज्यादा, एक कॉल आ गई थी, सॉरी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण विधियों
का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह सीखा कि पदार्थ के द्रव्य घुलने से विलयन बनता है या विलयन, यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा तो हमने ऑलरेडी देख ली थी, ठीक है। तो वही आपको अभी तक हमने नमक से बनाया था संतृप्त विलयन, अब चीनी से भी बना के देखना है कि संतृप्त विलयन कितने चम्मच पे बनता है, मतलब कितनी मात्रा हम घोल सकते हैं चीनी के पानी में। यही बोला है, हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वरना ढूंढते रह जाओगे मैम कहांगी मैम कहांगी, मैम का भी नाम नहीं याद होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अभी हम अभी जाना नहीं है, चाहे हमारा चैप्टर जो है अभी कुछ और भी आपको समझाना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, मंथन, संघनन, निस्तारण, बाष्पन, निसंदन, हस्चयन, विलयन, साधन, चालन, विलयन, क्रेसिंग, ठीक है, निष्पावन। हर एक बच्चा एक एक डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में करेगा। तो बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पे हम फिर से आपको ओवरव्यू दिए दे रहे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो डेफिनेशन। हस्चयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, मिश्रणों से उनके अवयवों को पृथक करने की ये क्या है, कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्चयन के द्वारा अलग किया जाता है, भूसा अनाज के भारी बीजों को निष्पावन द्वारा अलग किया जाता है, और किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन या निसंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक करने के लिए किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा उनको जल से पृथक किया जाता है। द्रव तथा उसमें विलय पदार्थ को, पदार्थ के अवयवों को निसंदन का उपयोग करके पृथक किया जाता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की विधि का उपयोग करके घुले ठोस पदार्थ को पृथक करने में यह किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का वह संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोल सकता है, ठीक है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं जो है घोल सकता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आना है और वहां पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इतना काम है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।